हेलीकॉप्टर हादसा, मनफी सोशल मीडिया मुहिम पर फौज में शदीद गम व गुस्सा और इस्तराब है। ISPR का बयान सामने आ गया। पाक फौज के शोबा तालुकात आमा ISPR ने लसबेला हेलीकॉप्टर हादसे के बाद सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम पर शदीद गम व गुस्से का इजहार किया है। ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर हादसे के बाद मनफी सोशल मीडिया मुहिम के बाइस शोहदा के लवाहिकीन की दिल आजारी हुई, जिस पर शोहदा के खानदानों और अफवाज पाकिस्तान के रैंक एंड फाइल में शदीद गम व गुस्सा और इस्तराब है। ISPR का कहना है कि इस मुश्किल और तकलीफ दह वक्त में पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी थी, लेकिन कुछ बेहिस हलकों की जानिब से सोशल मीडिया पर तकलीफ दह और तोहीन आमेज मुहिम जोई की गई। ये बेहिस रवैये नाकाबिल कबूल और शदीद काबिल मुज़म्मत है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता दिनों लसबेला में पाकिस्तान आर्मी एविएशन का हेलीकॉप्टर सैलाब ज़दा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन के दौरान लापता हो गया था। कई घंटों की तलाश के बाद हेलीकॉप्टर का मलबा मूसा गोट से मिला था। ISPR ने बताया था कि हेलीकॉप्टर को हादसा खराब मौसम के बाइस पेश आया, जिसके बाइस हेलीकॉप्टर में सवार कोर कमांडर क्वेटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली और DG पाकिस्तान कोस्ट गार्ड मेजर जनरल अमजद समेत 6 जवान शहीद हो गए थे। हेलीकॉप्टर हादसे के बाद सोशल मीडिया पर इस हवाले से मनफी मुहिम चलाई गई थी। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद मनीरी है। मेरे फादर का नाम फारूख नेमगानी है। मैं PTI ISF इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन का सीनियर डेप्यूटी कन्वीनियर रहा हूँ 2 साल के लिए। और कल मैंने 2 ट्वीट किए, जिसमें पहला ट्वीट ये था जिसमें एक ट्वीट मैंने खुद जनरेट किया था और दूसरा मैंने कॉपी पेस्ट किया था। एज इट इज पूरा कॉपी और पेस्ट करके मैंने उसको ट्वीट कर दिया था। मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई और ये गलती कुछ लोगों की वजह से इन्फ्लुएंस में आकर हुई, कुछ लोगों से इंस्पायर होकर हुई, जिनमें जहाँ से मैंने इंफॉर्मेशन ली वो एक सोल्जर स्पीक्स का पेज था, एक इस्मा खान PTI पेज था और एक सबीना कियानी पेज था और एक इमरान राज खान पेज था, जिनसे मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन लेके जो ट्वीट मैंने जनरेट किया। और वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी, उसमें से कुछ भी सच नहीं था और मैंने उसकी तस्दीक भी बिल्कुल नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं फरफ नेम कियानी, जो मोहम्मद मनीर कियानी का वालिद हूँ। मेरे बेटे ने कल एक ट्वीट शेयर किया था जो कि काबिल एतराज़ था और वो मैं ऐन वक्त पे नहीं चेक कर सका, जिसको मैं जिम्मेदारी लेता हूँ और आज मैं इस चीज़ की गवाही देता हूँ कि आइंदा ये काम नहीं होगा और हम इस चीज़ से दूर रहेंगे और मैं अपने बेटे की तमाम एक्टिविटीज़ पे नज़र रखूँगा। हम मुहिब वतन लोग हैं और पाकिस्तान आर्मी, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि उसका खून हमारी रगों में है, हम उसका दिल जान से एहतराम करते हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। लिहाजा ये जो गलती मेरे बेटे से हुई है, इसको मैं फ़ोन करता हूँ और आइंदा इसको कहूँगा कि कभी भी ये ऐसी गलती ना, सामने इस चीज़ का इकरार कर रहा हूँ कि आइंदा वो इस किस्म की गलती नहीं करेगा। मैं इसकी ज़िम्मेदारी लेता हूँ। पाक फौज जिंदाबाद।